यूपीएससी में चयनित पायल का शाला परिवार ने किया सम्मान। 3 बार संघर्ष के बाद चौथे प्रयास में पाई सफलता। बोरियों और मटकों में भरा 1530 किलो महुआ लहान और 30 लीटर हाथ भट्टी शराब की जब्त। उदित इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कछुआ गति से कराया जा रहा पुल निर्माण कार्य। तिरोड़ी माइंस में कार्य करने वाले मजदूर की पुत्री पायल ग्वालवंशी ने यूपीएससी की परीक्षा में चयनित होकर अपने माता पिता और परिवार सहित क्षेत्र का नाम रोशन किया है। पायल ने 3 बार यूपीएससी की परीक्षा में असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी और चौथे प्रयास में 913वीं रैंक प्राप्त कर चयनित हुई। चयनित अभ्यर्थी पायल का शनिवार को शासकीय उत्कृष्ट स्कूल परिवार द्वारा सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला शिक्षा अधिकारी ए.के. उपाध्याय, स्कूल प्राचार्य राज लक्ष्मी नायडू सहित स्कूल के समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस दौरान चयनित अभ्यर्थी पायल ने उपस्थित छात्र छात्राओं को सफलता के टिप्स बताए। परीक्षा होती है, इसके में 3 चरण होते हैं। एक प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा होती है, फिर साक्षात्कार होता है और अंत में सिलेक्शन होता है। इस तरह से पहले प्रारंभिक कक्षा में 2 पेपर होते हैं, उसे जब आप पास करते हैं तब आपको मुख्य परीक्षा में 9 पेपर देने का मौका मिलता है। जब आप वो 9 पेपर पास करते हैं तब आपको साक्षात्कार देने का मौका मिलता है। मदिरा का अवैध रूप से निर्माण, संग्रहण और विक्रय कर रहे लोगों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को आबकारी वृत्त कटंगी में जिला स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। कार्रवाई में ग्राम गट्टा पायली, नांद गांव, बुदबुदा व झंबल टोला के जंगल में नाले के किनारे अलग अलग स्थानों से बोरियों एवं डिब्बों में भरा हुआ लगभग 1530 किलो लाहन और प्लास्टिक के डिब्बों में भरी 30 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सैंपल लेकर शेष लाहन मौके पर नष्ट किया गया। जब्त सामग्री का बाजार मूल्य 1,57,500 रुपये बताया गया। विगत अगस्त माह में अतिवृष्टि वर्षा होने से लामता से बैहर मार्ग का सलंग टोला जलाशय के पानी से नवनिर्मित पुल धराशायी हो गया था, जिसका निर्माण कार्य उदित इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी रीवा द्वारा गत महीनों से कराया जा रहा है, परंतु लगभग 4 महीने में मात्र कंपनी के द्वारा खुदाई कर मात्र बेस का कार्य कराया गया है। इस निर्माण कार्य में मात्र 3 से 4 मजदूर काम कर रहे हैं, जिस कारण पुल निर्माण कार्य में गति दिखाई नहीं दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उदित इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा अगर आगामी बरसात होने से पहले पुल का निर्माण नहीं होता है तो लामता से परसवाड़ा बैहर का आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूली छात्र छात्राओं का स्कूलों से नाता एवं स्वास्थ्य सेवा भी अवरुद्ध हो जाएगी। आवागमन बंद होने से पूरा व्यापार भी बंद हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने टूटने के बाद तो काम चालू ही नहीं हुआ उसका, और जब चालू हुआ तो इतना धीरे काम चल रहा है कि 2 लेबर 3 लेबर 1 मिस्त्री और 2 लेबर कितना काम कर लेगा, काम ही नहीं कर पाएगा। अभी 2 महीने बाद फिर बारिश हो रही है और जब हमने इनसे बात की तो इनका कहना है कि हम 2 महीने में पुल कंप्लीट कर देंगे। अभी आप उसका देखिए, प्लंट कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये पूरा पुल कैसे कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या है, अगस्त जो चालू है अभी तक बीच में क्या ब्रेक हो गया था, अभी आज हम लोग आकर देखें यहाँ पर और 4 लेबर काम कर रहे हैं और काम क्या प्रगति से नहीं हो पा रही है। सलंग टोल जो जलसा है वो बहुत बड़ा जलसा है, उसमें क्या आधा गाँव बहने की समस्या बन सकती है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व तिमाही में स्वीकृत किए गए विकास कार्यों की समीक्षा की। पूर्व में ऐसे क्षेत्रों में बैर का वॉच टावर के अलावा सड़कें, बिजली, तालाब और बाउंड्री वॉल स्वीकृत किए गए थे। पीडब्ल्यूडी कार्यपालन यंत्री ने बताया कि बैहर में 6,33,00,000 रुपये की लागत से 10.40 किलोमीटर लंबी स्वीकृत 4 सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं, साथ ही बाउंड्री वॉल और वॉच टावर के कार्य पूर्ण किए गए हैं। इसी तरह लांजी में 3,23,00,000 रुपये की 3,155 मीटर की 7 सड़कें भी पूरी कर ली गई हैं। यहां 10 वॉच टावर पूरे किए गए हैं। PIU के कार्यों के संबंध में
एसपी श्री समीर सौरभ ने कार्य की प्रगति स्लो होने पर नक्सल एएसपी श्री यादव को एक दिन में प्रोजेक्ट की वस्तु स्थिति के संबंध में रिपोर्ट बनाने के लिए निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने इस मामले में कमिश्नर को पत्र से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बिजली के संबंध में बम्हनी, दादर, सीतापाला, टेमनी और देवर बेली में स्थापित किए गए सोलर पैनल के सचमुच रूप से कार्य नहीं करने के मामले में ठेकेदार को नोटिस जारी किया जाएगा।